तो आज सुबह सुबह मैंने ना ईगल को बॉयल चिकन दी है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ईगल जो है ना बॉयल चिकन शौक से नहीं खाता, मतलब ऐसे सुस्ती से खाते हैं, ऐसे जैसे जिसको पसंद ना आ रहा हो और ऐसे खा रहा हो बस भी पेट भर जाएगा मेरा, इसको यानी कि मज़ा नहीं आ रहा खाने में। और ये कब से मुर्गी ना इसके पास आ रही है खाने के लिए, जाओ ये आई 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 और ये देखें भगा दिया उसको। हमारे कबूतर ना कब से वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये नीचे नहीं आ रहे, तो मैं दाना डालता हूँ शायद ये नीचे आ जाए। फिर आने लगे आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। ओहो डर क्यों गए? पर मैंने ना मास्टर केज की छत पर दाना डाल दिया था इनको, और सारे के सारे कबूतर ना यहाँ पर आकर खा रहे थे। अभी पता नहीं मुझसे डर क्यों गया, मैं ऊपर आया ना डर गया मुझसे, ये नीचे नहीं आ रहे। कब से हम ट्राई कर रहे हैं नीचे आ जाएं, लेकिन नीचे नहीं आ रहे। खैर थोड़ी देर में दोबारा आ जाएंगे ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? सब परिंदों को दोस्तों मैंने बाहर छोड़ दिया है, क्योंकि आज धूप निकली हुई थी तो मैंने इनको जल्दी छोड़ दिया। और हमारे रैबिट्स के बच्चे सेफ्टी रूम में हैं, लेकिन हम भी इनको धूप में बिठाने वाले हैं। अब चलो भाई धूप लगवा लो, आ जाओ। चलो जी चलो 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 यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इनको यार सूरज की रोशनी लगेगी जो कि इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इनको बहुत ही मज़ा आएगा। हमारी गंजी मुर्गी दोस्तों सेफ्टी रूम में ना इस जगह पर अंडा देती है। पहले ना उस मुफासा के घर में अंडा देती थी वो, लेकिन जब से वो सेफ्टी रूम में बंद होना शुरू हुई है ना, अब वो सेफ्टी रूम में ही अंडा देती है। तकरीबन दोस्तों हमारी गंजी मुर्गी ने 15 से 20 अंडे दे दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कुड़क नहीं हो रही। जो इसकी बहन थी ना वो तकरीबन 8 से 9 अंडों के बाद कुड़क हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू है। खैर जब होगी तो देखा जाएगा, अभी मैं सेव करता जा रहा हूँ अंडे, तो देखेंगे जब कुड़क होगी तो फिर हम बिठा देंगे। तो फाइनली यार जिस दिन का इंतज़ार था ना आपको भी और हमें भी, वो दिन आ चुका है। आज हमारे फाउंटेन का काम शुरू हो गया है, यानी कि इसकी टाइलें लगना शुरू हो जाएंगी आज। अभी जो ना से रगड़ाई वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा आपको पता है यार, टाइलें लगना शुरू हो जाएंगी और फिर हम क्या करेंगे, मछलियां यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि यार तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं फाउंटेन ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, और हमारे कछुए बेचारे इधर रह रहे हैं, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर टाइलें लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कबूतर था यार, इसके पर बंधे हुए थे, तो हमने कहा यार इसको आज़ाद करते हैं आज, क्योंकि 3 दिन हो गए होंगे इसके यहाँ पर, तो ये उड़ेगा नहीं, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। हथौड़े वगैरह से ना सही से काम नहीं हो रहा था, तो ये इससे जब ये चलाएंगे ना फिर ये जल्दी से रगड़ाई हो जाएगी। अच्छा, यूँ करते हैं फिर, हाँ भाई उससे कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेता हूँ, करो 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 करो। फिर यहाँ से मैं लेने आया हूँ पॉपकॉर्न अपने खाने के लिए और डक्स वगैरह के खाने के लिए। शुक्रिया। चलो चलो ये डक्स का है, ये हमारा है, ठीक है? याद है कराची में हमने खिलाए थे? ऐसे नहीं रखो, किसी बर्तन में दो। वाओ क्या बात है, क्या बात है, काफी ज्यादा लाया हूँ, सही है ना? डक्स खा रही है, ये टर्की बर्ड नहीं खा रहे। हाँ यार बाकी खा रही है। चलो भाई चलो भाई डाल दो डाल दो डाल दो। मजे भाई मजे। सुबह हमने इनको दाना भी दिया था, लेकिन अभी भी इनकी भूख इतनी ज्यादा है जैसे सुबह से कुछ ना खाया हो। बस अब ये खत्म कर ले, फिर खत्म कर लिए। अभी अभी दोस्तों मैंने ना अपनी डक्स को ना इधर एक बाल्टी रखी हुई है वहाँ पर नहाते हुए देखा है। ये देखें यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी है, और हमारी डक्स देखें इसमें नहा रही है। पानी भी सारा मैला हो गया, इसको गिरा दो सारे पानी को ना। हाँ तो हम सोच रहे हैं कि हम इनके लिए ना यहाँ पर जल्दी से पौंड बनवाते हैं, जहाँ पर ये आराम से नहाएं भी सही और पानी भी पिए, इनको कोई मुश्किल ना हो। तो अभी सिप्लान गया हुआ है, पानी भर के आएगा और फिर हमको पानी देंगे। गिरा दिया सारा। जल्दी हो जल्दी हो। चलो भाई चलो यहाँ रख दो सिप्लान। नहाने के लिए यार काफी तंग हो रही है वो। इतने एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, पाइप लगाओ इसमें ना, इस टब में पानी फुल करो, ठीक है ना? फुल यहाँ तक, ठीक है? अच्छा फिर हमारी डक्स हमारे कुछ नहा लेंगे। यार इनका बनाओ कोई सिस्टम प्रॉपर। मैंने हाँ करते हैं यार कुछ। मैं ले आता हूँ जल्दी। एक साइड से तुम पकड़ो, एक साइड से मैं। चलो एहतियात से बस। तुमने गिराया है? अच्छा ना? गिराया भाई, चलो वापस। तो इस टब को दोस्तों हमने भरना है और लेके जाना है अपने मिनी जू में, ताकि हमारी डक्स ना इसमें नहा सकें, खुश हो सकें। आराम से इसे उठाना है। हाँ ठीक है चलो। एहतियात से बैलेंस बैलेंस गिर रहा है। चलो चलो इधर उधर मूव हुआ ना, एक मिनट आराम से। हाँ चलो आ जाओ। एहतियात से, बिल्कुल एहतियात से। चलो चलो आ जाओ। अब देखना कैसे। वाओ
ये तो नहा रही है भाई, क्या बात है। ओह सारा पानी इसने गिराना है क्या नीचे? और कोई आई नहीं, सिर्फ ये नहा रही है। तेरे सारे डक्स एक साथ तो नहीं जा सकती, तो ये क्या कर रही है? एक एक करके जा रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। देखिए दो इंतजार, इसने भी नहाया है, बस ये इंतजार में बेचारी। इसने भी नहा लिया, ये सिर्फ रहती है। हाँ, सब अभी ये जाएगी अंदर, एक डुबकी मार ली है। सही है सही है। पता नहीं दोस्तों आज हमारे कबूतर घर जाएंगे या कल की तरह हमें तंग करेंगे। कल क्या हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हमारे कबूतर बिल्ली की वजह से डरे हुए हैं, तो कबूतर कुछ हमारे रात के टाइम उधर जाके बैठ गए थे और कुछ को मैंने अंधेरे में पकड़ लिया था। जब लाइन में बैठे थे ना यहाँ पर अंधेरे में, जो मेरे हाथ में आ सके मैंने उनको पकड़ लिया, और जो ही उनको पता चला कि कोई बंदा हमें पकड़ने की कोशिश करे फौरन उड़ के ना वहाँ पर बैठ गए। तो रात के टाइम में उधर जा भी नहीं सकता था, तो सारी रात उधर ही बैठे रहे। तो आज अल्लाह करेगा यार ये अपने घर चले जाएंगे, दाना वगैरह हम डाल रहे हैं सुबह से, ताकि ये डर इनका जो है ना दिल में खत्म हो जाए और फिर अपने घर जाएंगे रात को। अभी भी दोस्तों देखें ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे आ नहीं रहे, बस चंद कबूतर आते हैं दो तीन, बाकी ऊपर ही बैठे रहते हैं, सारे यहाँ पर बैठे हैं। देखो हमारा फाउंटेन का काम दोस्तों यहाँ तक पहुँचा है, चंद टाइलें लग चुकी हैं और बाकी अभी लगा रहे हैं। ये वाली भी अभी देखें सेटिंग हुई पड़ी है, यहाँ पर भी कटिंग हो गई है, अभी फर्श पर भी लगनी है। साइडें पहले कवर करेंगे फिर फर्श पर लगाएंगे। भाई भाई आज आधी लग जाएंगी जहाँ तक मेरा अंदाज है, बाकी कल होगा। क्यों इतना मुश्किल काम है? आज नहीं लगेंगे क्या? क्यों लेट आई है? तो यार एक दो घंटों में लग नहीं जाएंगी? कोशिश नहीं करनी यार, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। आपने बोला था कि जब मैं आऊंगा ना दो घंटों में आपका काम हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कल कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा कल, हो जाएगा कल। ओ भाई उन्होंने माइंड बनाया हुआ है अपना। नहीं नहीं हो जाएगा। तो यार यहाँ से लूंगा मैं पतली पतली गाजर, इतनी काफी है। ये पता नहीं मेथी है, ये मेथी भी ले लूंगा, थोड़ी सी पालक और थोड़ा सा ये सब्जा। सही है, चलो 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 चलो, ये लो भाई खा लो। तो सारे परिंदे रैबिट्स वगैरह आएंगे इस घास को खाएंगे, लेकिन हम जाते हैं अब छोटे रैबिट्स के पास। चलो भाई, भाई रास्ता बंद है, ये देख रहे हो धागे आगे, अब हमें नीचे से जाना पड़ेगा। नीचे से? हाँ मैं दिखाता हूँ कैसे जाना। ऐसे आओ आओ सारे सारे रखो यार, ये शॉपर के साथ ही रख दो, नीचे गिरेगा नहीं। ये ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं खाएंगे जितना खाना होगा। चल भाई छोटे खरगोश इधर आ जाओ, ये खाना। गाजर गाजर खानी? चलो सब कुछ खाएंगे यहाँ पर, इनको देखने तो दो। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये पालक लूसन, और क्या डालवाया है भाई? गाजर, ये मेथी है और ये गाजर। तो खाते रहेंगे यार, ये थोड़ी सी वो बरसीन भी डाल दो जो उनको डाला है। नहीं जरूरी नहीं है, ये काफी है। अच्छा ठीक, यकीनन इन दोनों ने भी ना उस पानी में नहाया होगा तभी। ओ भाई काट दिया, तभी ये साफ हो रहे हैं इतना ज्यादा। व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, पहले यहाँ पर पीला पीला से मट्टी मट्टी सा था, लेकिन देखे कितना साफ लग रहे हैं अब ये भी। और ये वाली डक्स भी ज्यादा व्हाइट हो गई हैं, खूबसूरत हो गई हैं नहाने के बाद। इसके काम देखे यार, अभी ना मैं आया था ऐसे अचानक से ऊपर चढ़ के आई, निकली हुई थी बाहर, निकली हुई थी। इसको इतना पकड़ा ना पीछे लग गया, ये तो गलत बात है, मोहल्ले में चली गई। तो भाई ये देखा था आपने, यहाँ पर बैठी थी ये टर्की बर्ड, कहाँ गई है वो ब्लैक? ये तो गलत बात है, कभी भी छलांग मार के बाहर निकल जाए हमें पता ही नहीं। हाँ। यहाँ पर मैं रहती हूँ। अच्छा, वापस कोशिश करती है यहाँ पर आने की। अच्छा। लेकिन यहाँ पर फिर तारे है ना खा रहे, जिसकी वजह से वो फिर डर रही थी। हाँ। खुद पकड़ा था फिर यहाँ पर छोड़ दिया था। सही है सही है, अब बाहर नहीं जाना तुमने, ठीक है। शुक्र है दोस्तों कबूतरों का ना डर खत्म होता जा रहा है, आधे कबूतर अपने घर में चले गए हैं। ये देखें सामने आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर मुर्गी गई हुई है, डर रहे हैं। सिप्तान यार मुर्गी को हटाओ ना तुम, ये क्या कर रही है अंदर? पता नहीं दाना रखा है मैंने, फिर वो अंदर चली गई। हाँ सही है सही है। ओए कबूतरों को तो ना डरो यार, आधे कबूतर दोस्तों अंदर हैं ठीक है, बाकी कुछ कबूतर वहां पर बैठे हैं, दो हैं सिर्फ, बाकी दो इधर हैं, एक दो नीचे घूम रही हैं। देखें जा रहे हैं, मतलब इनका डर खत्म हो रहा है यार। चलो ये तो गुड न्यूज हो गई हमारे लिए। और हमारे यार फाउंटेन का काम यहाँ तक पहुंचा है, मेरे ख्याल में भाई सही कह रहे थे आज काम नहीं होने वाला, मेरे ख्याल में कल कंप्लीट होगा। कल हो जाएगा ना? हो जाएगा भैया, बस फिर ठीक है, कल हो जाएगा यार। तो यार फाउंटेन की टाइल्स इतना ही लगेंगी आज के दिन, बाकी का काम कल होगा, क्योंकि वो भाई जा रहे हैं, उनका टाइम हो गया, छुट्टी गई है, देखें शाम हो गई है, तो कल आएंगे, फर्स्ट टाइम शुरू हो जाएंगे और कल इंशाल्लाह सारे के सारे फाउंटेन में टाइल्स लग जाएंगी। फिर कौन सी मछलियों का सोचा हुआ सिप्तान? भाई मछलियां इस दफा लानी है, वाली लाएंगे। हाँ वो वाली लाएंगे, बड़ी भी लाएंगे उससे, ठीक है इस दफा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा था भाई आपने बड़ी मछलियां लानी है, ठीक है, बहुत बड़ी। इतने बड़ी होगी ना?
नहीं इससे भी बड़ी है, इतना बड़ी, ठीक है, बेल मछली लेकर आ जाते। हाँ, इस पूरे फाउंटेन में एक मछली आ जाए काफी है। हाँ, फिर तुम अंदर छोड़ देंगे। तो यार मजाक अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फिशेज लाएंगे, प्यारी प्यारी और बड़ी बड़ी। मुझे तो अपनी यार उन्हीं मछलियों की याद आ रही है, जल्दी से बने और लेकर आए। वो भी तो लाएंगे ना, जाहिर है उसको दिए हुए अमानत है उसके पास, वो भी लाएंगे और नई मछलियां लाएंगे। यस है, ये अभी तक खा रहे यार, तकरीबन इनको 1.5 घंटा होगा मैंने खाना डाला था, अभी तक इनकी भूख नहीं खत्म हुई, अभी तक खा रहे हैं। यानी कि जब तक इसके अंदर रहेगा ना खाना, ये खाते रहेंगे। खरगोशों की ये आदत वैसे होती है, यानी कि इनके सामने जितना खाना पड़ा रहे ना, ये खाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सब छोटे रैबिट्स को बंद कर दिया है, लेकिन एक दो बड़े रैबिट्स ना यार इसके अंदर चले गए हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ठंड में यहाँ पर कैसे रहेंगे वो सारी रात। मैं कोशिश करूँगा, रात के टाइम आऊँगा इनको पकड़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको तो हम बंद कर लेना, ये नहीं तो बाहर आ जाते हैं, फिर बिल्ली आके ले जाती है इनको। और वहाँ सिप्तान दोस्तों सब परिंदों को ना बंद कर रहा है सेफ्टी रूम में। चलें, छत के परिंदे भी बंद हो गए, वहाँ के भी अब बंद हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारा ये चैनल चहन में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। हमारा फाउंटेन फिर से बनना शुरू हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें कलर फिशेज लेकर आएंगे और उसी तरह से हमारा फाउंटेन खूबसूरत लगने लग जाएगा जैसे पहले होता था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अगर वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।